हेलो एवरीवन, दिस इज राजीव हियर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इफ़ एल्स लैडर की। सो लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने इफ़ एल्स देखा था। सबसे पहले हम लोग ये समझे थे कि कंडीशनल इफ़ एल्स क्या होता है, एंड उसके बाद हमने देखा था इफ़ एल्स क्या होता है। दैट वाज द फर्स्ट वीडियो। एंड इस सीरीज़ के सेकेंड वीडियो में हमने देखा था नेस्टेड इफ़ एल्स, और उस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया था। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इफ़ एल्स लैडर। ओके, अगर इससे पहले वाली दो वीडियो इफ़ एल्स एंड नेस्टेड इफ़ एल्स ये दोनों नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, पहले वो दोनों वीडियो देख लेना, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना। ओके, एंड इफ़ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ इफ़ एल्स इन जावा एंड नेस्टेड इफ़ एल्स इन जावा, देन फाइन, यू कैन कंटिन्यू विद द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर टॉपिक इज इफ एल्स लैडर। ओके, सो सबसे पहले हमने इफ एल्स देखा था। इफ एल्स क्यों यूज होता है? इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म सम टास्क और सम वर्क ऑन वन कंडीशन, अगर सिंगल कंडीशन पे हमें कोई वर्क परफॉर्म करना है तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं। ठीक है, इफ एल्स सिंपल क्या होता है? इफ कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू देन we did something here, else something else. So if else सिर्फ एक condition पर work करता है। ठीक है, अगर condition true हुआ तो हम कुछ work perform करेंगे, और condition false हुआ तो कुछ और। तो ये हमारा simple if else था। Second था, हमने देखा था nested if else। Nested if else का use क्यों होता है? अगर हमें multiple condition true होने पर कोई work perform करना है, like if if this condition is true, अगर ये condition true होगा तो हम if के अंदर आएंगे। but suppose हमें एक और condition check करना है, so इसके अंदर एक और if, if this condition is also true then जो if के अंदर लिखा होगा execute होगा, यानी यहाँ पे जो भी statement होगा वो हमारा दो दो condition true होने के बाद execute होगा, पहले तो outer if और उसके बाद inner if। इस तरह nested, nested का मतलब जैसे नेस्ट होता है चिड़िया का घोंसला, तिनके से बना होता है ना, एक तिनका फिर उसके अंदर दूसरा फिर उसके अंदर तीसरा। सो सेम चीज यहाँ पे है, नेस्टेड इफ एल्स। ओके, यानी एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स, फिर उसके अंदर इफ एल्स, फिर उसके अंदर इफ एल्स। तो ये हमने नेस्टेड इफ एल्स देखा था। यहाँ पे क्या था, कोई स्टेटमेंट अगर हमें मल्टीपल कंडीशन ट्रू होने के बाद एग्जीक्यूट करना है, हमें कोई ऐसा काम करना है जो दो या तीन या चार कंडीशन ट्रू हो, जैसे रियल लाइफ में होता है ना कि अगर कल सपोज जैसे कि एक कंडीशन हो गया कि अगर कल बारिश आई, ओके, और ठंड भी बहुत ज़्यादा रहा तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। यानी यहाँ पे आप दो दो कंडीशन देख रहे हो, बारिश भी आई और ठंड भी बहुत ज़्यादा रहा तो स्कूल नहीं जाओगे। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशन ट्रू होने पे कोई वर्क परफॉर्म करना है तो वहाँ पे हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम इफ एल्स लैडर की। व्हाट इज द यूज ऑफ इफ एल्स लैडर? अगर तुम लोगों ने मेरा स्विच का वीडियो देखा होगा तो समवॉट इफ एल्स लैडर स्विच की तरह ही काम करता है। लाइक सपोज इफ यू हैव मल्टीपल कंडीशंस और हर कंडीशन ट्रू होने पे एक डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, हर कंडीशन ट्रू होने पे एक डिफरेंट, एक अलग टास्क परफॉर्म करना है। दैट मीन्स इफ कंडीशन वन इज ट्रू देन डू समथिंग। ओके, इफ और अगर कंडीशन टू हमारा ट्रू हुआ तो डू समथिंग एल्स। उसी तरह एक और कंडीशन है, कंडीशन थ्री, अगर ये ट्रू हुआ तो अगेन डू समथिंग एल्स। इस तरह कंडीशन फोर, कंडीशन फाइव, मतलब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और हर कंडीशन के ट्रू होने पे हमें कुछ अलग परफॉर्म करना है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, अगर कल बारिश आई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर कल बारिश नहीं आई तो स्कूल जाऊंगा, अगर कल बहुत ज्यादा धूप रहा तो मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा, और अगर कल बहुत ज्यादा ठंड रही तो मैं कोचिंग स्कूल दोनों जगह नहीं जाऊंगा। तो यहां पे हमने तीन कंडीशन देखा, पहला अगर बारिश आई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, दूसरा कंडीशन बारिश नहीं आई तो स्कूल जाऊंगा, तीसरा कंडीशन अगर धूप बहुत ज्यादा रहा तो कोचिंग नहीं जाऊंगा, एंड फोर्थ कंडीशन अगर ठंड बहुत ज्यादा रहा तो ना कोचिंग जाऊंगा ना स्कूल जाऊंगा। तो यहां पे हर कंडीशन पे मैं अलग अलग काम कर रहा हूं,
तो सेम चीज प्रोग्राम में अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, 3, 4, 5, 6, 7 कंडीशन, और हर कंडीशन पर डिफरेंट वर्क परफॉर्म करना है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? इफ एल्स लैडर। ओके, नेस्टेड इफ एल्स क्या था? अगर मल्टीपल कंडीशन है और सारे कंडीशन ट्रू होने पे एक कोई पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करना है तो वहां पे नेस्टेड इफ एल्स। तो इफ एल्स का सिंटेक्स देख लेते हैं कि इफ एल्स का हम यूज कैसे करते हैं प्रोग्राम में। सो सिंटेक्स बहुत सिंपल है, इफ, फिर इफ का कंडीशन, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट हमें लिखना होगा हम स्टेटमेंट वो लिखेंगे। यूजुअली नेस्टेड इफ एल्स लैडर में ब्रेसेस नहीं होता, हम लगा सकते हैं ब्रेसेस बट ऐसी कोई जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जहां पे भी हम इफ एल्स लैडर का यूज करते हैं वहां पे जनरली सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। अब हायर लेवल पे जब प्रोग्राम करोगे आगे, तुम 11, 12th में या फिर ग्रेजुएशन करोगे तो ऑब्वियसली वहां पे होता है, तो ब्रेसेस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये तो रूल सबको पता है। इफ के अंदर अगर सिंगल स्टेटमेंट है, इफ या एल्स या फॉर किसी के अंदर, तो ब्रेसेस कंपल्सरी नहीं होता। तो इफ, इफ का कंडीशन, कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ का स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंप्यूटर कहाँ जाएगा? ये जो ऊपर वाला इफ है उसके एल्स में, और एल्स के अंदर, अब मैं एल्स के अंदर कह रहा हूँ उसका मतलब एल्स के नीचे एल्स का ब्लॉक होता है, ये देखो होगा तो इफ का भी ब्लॉक, ये जो ब्रेसेस मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक्चुअली होगा तो हमारे इफ का भी ब्लॉक, बट मैं बनाया नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है इफ के अंदर, तो ब्रेसेस लगाना जरूरी नहीं। मैं एल्स का ब्लॉक इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ कुछ समझाना है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर कहाँ चला जाएगा? एल्स में, एल्स के अंदर फिर से इफ मिलेगा उसे, इफ। और अगर ये भी कंडीशन ट्रू हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो जो भी इफ के अंदर लिखा होगा, जो भी स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, जो इफ है इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसे कैसे लिखेंगे? जो एल्स के अंदर वाला इफ है इसको हम एल्स के ठीक बगल में लिखते हैं इफ एल्स लेटर में। तो एल्स, फिर एल्स के बाद इफ, देन कंडीशन टू, ठीक है, इसको हम दे देते हैं कंडीशन वन। यानी अगर ऊपर वाला कंडीशन हमारा इफ फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर कहाँ आएगा? एल्स में, एल्स में क्या मिलेगा? एल्स में फिर से इफ मिलेगा। अच्छा, ए वाला इफ अगर ट्रू हो गया तो जो इसके अंदर स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट टू। बट अगर ए भी इफ, ए वाला इफ जो है ए भी फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर इसके, जो हमारा दूसरा वाला इफ है, इसके एल्स में जाएगा, ठीक है। अब इसके एल्स के अंदर फिर से इफ होगा, बट अगेन हम अंदर तो लिखेंगे नहीं, कहाँ लिखेंगे? एल्स के ठीक बगल में। ये हमारा सिंटेक्स है, लिखने का तरीका इफ एल्स लेटर। इफ कंडीशन थ्री, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट थ्री। मैं टैब स्पेस देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट सपोज ए वाला इफ भी हमारा फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर कहाँ जाएगा? अब जो थर्ड वाला इफ है उसके एल्स में जाएगा, एल्स, फिर एल्स के अंदर फिर से इफ हो सकता है। सो अगेन हम एल्स के अंदर ऐसे बना के नहीं लिखेंगे, हम कहाँ लिखेंगे? एल्स के जस्ट बगल में लिखेंगे इफ, और कंडीशन फोर, अगर ट्रू हो गया तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फोर, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर इफ जो है हमारा कंडीशन फोर वाला इफ फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर इस वाले इफ के एल्स में जाएगा, एल्स, फिर एल्स के अंदर फिर से इफ हो सकता है। ये हम जब तक चाहे चलता रहेगा, ठीक है। एल्स के अंदर फिर से इफ हो सकता है, कंडीशन फाइव ट्रू हुआ तो इसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट फाइव, और अगर फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर फिर से एल्स में जाएगा। अब हम चाहें तो फिर से इसके अंदर इफ दे सकते हैं, मतलब इफ, इफ का एल्स, एल्स के अंदर इफ, फिर उसका एल्स, उसके अंदर इफ, तो ये चलता रहेगा हम जब तक चाहें, ठीक है। हमें जब टर्मिनेट करना है, मतलब अब हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ चार ही कंडीशन थे, पांच ही कंडीशन थे, तो अब एल्स में जो सबसे लास्ट में हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, सॉरी इफ नहीं दूंगा मैं, तुम जितनी बार चाहो उतनी बार लिख सकते हो जितना जरूरत है, तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने कितना कंडीशन दिया है? 1, 2, 3, 4, 5 कंडीशन, तो मैं जितना जरूरत उतना दे सकते हो, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, मान लो हमारा पहला ही कंडीशन ट्रू हो गया, ये हमारा पहला इफ क्या हो गया? ट्रू हो गया, तो क्या होगा? स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हो जाएगा,
ठीक है, और कंप्यूटर इस else में जाएगा, इस वाले else में नहीं जाएगा, ये जो हमारा पहला वाला else है इसके अंदर नहीं जाएगा। और जो हमारा दूसरा if है वो कहाँ पे है, इस पहले वाले else के अंदर। और ये वाला जो else है, जो दूसरा वाला else है, ये वाला else, ये else किसका है, दूसरे वाले if का है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले else के नीचे जितना लिखा है वो सारा का सारा कहाँ पे है, पहले वाले if का जो else है उसके अंदर है। क्लियर हुआ? उसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले else की बात करें तो इसके बाद जितने भी कोड लिखा हुआ है ये कहाँ पे है, ये हमारा ये जो else है इसके अंदर है। ठीक है, तो होप ये सीक्वेंस पूरा क्लियर हो गया होगा। यानी पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा और कंप्यूटर इस else के अंदर जाएगा ही नहीं, तो मतलब पूरा का पूरा नीचे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि बाकी सारा तो सेल्स के अंदर है। उसी तरह मान लो अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंप्यूटर कहाँ आएगा, इस else के अंदर आएगा। else के अंदर आया तो फिर से if मिलेगा, इस if को एग्जीक्यूट करेगा। अगर if कंडीशन ट्रू हो गया तो हमारा स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा, बट अगर ये कंडीशन सॉरी अगर ये ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा और फिर कंप्यूटर else के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा ये पूरा कोड एग्जीक्यूट, ये जो हमारा जितना कोड है ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर कंडीशन ट्रू हमारा फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर कहाँ आएगा, फिर से else में, इसके अंदर फिर से if मिलेगा। अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट थ्री, नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि बाकी सभी सेल्स के अंदर है। बट अगर फॉल्स हो गया तो else के अंदर आएगा, इसके अंदर फिर if मिलेगा। ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट फोर एग्जीक्यूट और नीचे कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, नहीं तो else के अंदर जाएगा। फिर से if मिलेगा, ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट फाइव एग्जीक्यूट और ये वाला else एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर फॉल्स हो गया कंडीशन फाइव तो else में आएगा। अब इसके अंदर तो कोई if नहीं है ना, तो अब ये वाला स्टेटमेंट सिक्स एग्जीक्यूट होगा। यानी सारे कंडीशन फॉल्स हो गए तो लास्ट में कौन सा एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट सिक्स। तो ये हमारा सिंटैक्स था। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। हमें एक स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट लेना है, ठीक है। अगर मार्क्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, स्टूडेंट का मार्क्स 90 से ज्यादा है उसके बराबर है, तो हमें स्टूडेंट का ग्रेड प्रिंट कर देना है ए प्लस, ठीक है। बट अगर मार्क्स स्टूडेंट का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 है, ठीक है, तो हमें प्रिंट कर देना है ए, ठीक है। अगर स्टूडेंट का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है तो हमें प्रिंट कर देना है बी, ओके, बी प्लस नहीं है हम एज्यूम कर लेते हैं। और अगर स्टूडेंट का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 है तो हमें क्या प्रिंट कर देना है, सी। और अगर स्टूडेंट का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 है तो क्या प्रिंट कर देना है, डी। और अगर स्टूडेंट का मार्क्स लेस देन 40 है, लेस देन इक्वल्स टू 40 है, सॉरी लेस देन इक्वल टू 40 में बोल रहा हूँ, 35 इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन 35 है। और मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 है तो क्या प्रिंट कर देना है, प्रमोटेड, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, सिंपल करते हैं, स्टूडेंट का मार्क्स अगर 35 से कम है तो फेल कर देना है स्टूडेंट को, तो फेल, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर स्टूडेंट का मार्क्स 90 से ज्यादा या 90 के बराबर है तो हमें क्या प्रिंट कर देना है, उसका ग्रेड ए प्लस। स्टूडेंट का मार्क्स 75 से ज्यादा है उसके बराबर है तो क्या प्रिंट कर देना है, ग्रेड ए। अगर मार्क्स 60 से ज्यादा उसके बराबर है तो बी, 45 से ज्यादा उसके बराबर है तो सी, 35 से ज्यादा है उसके बराबर है तो डी, और अगर 35 से कम है तो फेल, ओके। तो करते हैं इस प्रोग्राम को। तो हमें इनपुट कितना लेना है उस प्रोग्राम में, सिर्फ एक इनपुट लेना होगा, स्टूडेंट का मार्क्स, और मार्क्स तो पॉइंट में भी हो सकता है। तो वेरिएबल किस टाइप का लेंगे, डबल टाइप का। सो इम्पोर्ट java.util.astric क्लास, जिस नाम से सेव किए वही क्लास होगा। सो इफ एल्स लैडर, ये हमारा क्लास हो गया, मेन बना लेते हैं। सो पब्लिक स्टैटिक
void main string aux, और फिर अब इसके अंदर स्कैनर, स्कैनर के ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं जब इनपुट लेना होता है। सो स्कैनर एस, एस लो या एस सी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एस सी ले लेता हूँ, ये वेरिएबल है कुछ भी ले सकते हो। स्कैनर एस सी असाइन विथ न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, एक वेरिएबल सिर्फ लेना होगा मार्क्स स्टोर करने के लिए, तो डबल टाइप का ले लेते हैं, डबल मार्क्स। अब एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंटर योर मार्क्स, ठीक है। अब मार्क्स इनपुट ले लेते हैं, सो मार्क्स असाइन विथ एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, हमारा कंप्यूटर इनपुट मांगेगा, हम मार्क्स एंटर करेंगे और आके मार्क्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, सिंपल। अब क्या करना है, अगर मार्क्स 90 से ऊपर या 90 के बराबर है तो प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, ग्रेड ए प्लस। तो सिंपल, इफ सिंटेक्स याद करो, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, अगर ये ट्रू हो गया तो हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए प्लस, ए प्लस डबल कोटेशन में लिखेंगे क्योंकि जो लिख रहे हैं वही प्रिंट करना है, ठीक है। अब ये सही है क्या, अगर मार्क्स 90 से ऊपर हुआ तो मैंने ए प्लस प्रिंट किया, क्वेश्चन तो यही था, बट अभी एक्चुअली सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि मार्क्स तो 100 तक ही होता है ना, सपोज यूजर ने एंटर कर दिया 110, तो ये भी तो ट्रू हो जाएगा, तब भी तो हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा और प्रिंट कर देगा ए प्लस, बट 110 क्या है, तो इनवैलिड है ना, मार्क्स उतना होता ही नहीं है, मार्क्स तो 100 में ही होता है। तो आप एक और कंडीशन लगाएंगे, कंडीशनल एंड, मैं अभी बताता हूँ कंडीशनल एंड क्या करेगा, और मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100। कंडीशनल एंड क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा, मतलब पहला कंडीशन भी ट्रू होगा और दूसरा भी ट्रू होगा, तब ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को ट्रू करेगा, यानी ये दोनों ट्रू हुआ तब इफ ट्रू होगा। ये दो पे भी काम करता है, तीन पे भी, चार पे भी, कंडीशनल एंड कितने एक्सप्रेशन पे भी हम लगा सकते हैं। ये करेगा क्या, सारे एक्सप्रेशन ट्रू होंगे तभी ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। तो मार्क्स अगर 90 से ज्यादा है उसके बराबर है और 100 से कम या उसके बराबर है तो क्या प्रिंट कर देंगे, ए प्लस। फॉल्स हो गया तो एल्स में आते हैं, एल्स में क्या होगा, फिर से इफ होगा, और इफ के अंदर अब हमें क्या चेक करना है, अगर मार्क्स किससे ज्यादा है, क्वेश्चन क्या था, आई थिंक 75 था, देख लेते हैं, हाँ 75, अगर मार्क्स 75 से ज्यादा है उसके बराबर है, ठीक है। अब इसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली क्या प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और ग्रेड प्रिंट कर देंगे हम ए, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर एल्स में आएंगे, अगर ए भी फॉल्स हो गया तो फिर इसमें इफ होगा, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 के बाद क्या था, 60, तो अगर 60 से ज्यादा है उसके बराबर है तो हमें क्या प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और ए की जगह इस बार क्या करना है, बी, ठीक है, सेमी कॉलन, फिर से एल्स लगाएंगे, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 45 से ज्यादा है तो क्या प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इस बार सी, ठीक है। फिर से एल्स, अब मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35, अगर 35 से ज्यादा है उसके बराबर है तो क्या प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डी, ठीक है। फिर क्या था, अगर मार्क्स 35 से कम है, ठीक है, एल्स इफ मार्क्स, अब यहां पे होगा लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल नहीं है, लेस देन, क्योंकि इक्वल टू में यहां ट्रू होगा ना, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू पे तो डी प्रिंट करेगा, तो यहां बस लेस होगा। अगर मार्क्स लेस देन 35 है तो क्या प्रिंट कर देंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फेल, ठीक है। अब यहां देखो, ये सही है क्या, मार्क्स लेस देन 35 है तो फेल, भाई अब 35 से लेस, तो अगर यूजर ने एंटर कर दिया -10, तो -10 भी तो 35 से कम है, तो हमारा तो ये तब भी प्रिंट कर देगा फेल,
तो हमें भी तो चेक करना होगा कि मार्क्स 35 से कम हो लेकिन जीरो के से ज्यादा या जीरो के बराबर हो। तो कंडीशनल एंड लगा के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। सो अब एक लास्ट में एल्स लगाएंगे, वो किस लिए, मतलब मान लो यूजर ने मार्क्स जो एंटर किया वो इनवैलिड है, अब इसमें कोई इफ नहीं देंगे। इनवैलिड मतलब या तो 100 से ऊपर एंटर कर दिया या फिर जीरो के नीचे, तो क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें क्या दे देंगे, इनवैलिड मार्क्स। ओके, होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो एग्जांपल लेते हैं, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और अलाइन मार्क्स असाइन विद एससी डॉट नेक्स्ट डबल एग्जीक्यूट होगा, तो मान लो यूजर ने एंटर किया 123, तो इनवैलिड मार्क्स है। देखो क्या होगा, हमारा पहला वाला कंडीशन चेक करेगा सबसे पहला, तो इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। दूसरा चेक करेगा मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। पहला फॉल्स इफ, एल्स में आएगा, एल्स में फिर कंडीशन चेक करेगा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो कंडीशन क्या हुआ, ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू हो गया। तो यहाँ पे प्रोग्राम में कुछ गलत हो रहा है, अब वो प्रिंट कर देगा ए, तो यहाँ पे हमें एक और कंडीशन लगाना होगा, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 75 एंड कंडीशनल एंड मार्क्स लेस देन इक्वल नहीं करेंगे, लेस देन 90, ठीक है। फिर यहाँ पे भी कंडीशन हमें चेक करने पड़ेगा, कंडीशनल एंड, चलो हम लोग कर लेंगे प्रोग्राम चेक करते टाइम। तो इसमें आएगा तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। बट जब दूसरा कंडीशन चेक करेगा मार्क्स लेस देन 90 तो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो ए वाला इफ भी हमारा फॉल्स हो गया। तो अब इसके एल्स में आएगा, इसके एल्स में फिर से इफ मिला तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 ये तो ट्रू हो जाएगा। तो हमें ये भी तो यहाँ पे चेक करना है ना कि मार्क्स 75 से कम हो, ठीक है, क्योंकि 75 के बराबर है या 75 से बड़ा है तब तो हमें ए प्रिंट करना है ना। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन दे देते हैं, कंडीशनल एंड मार्क्स लेस देन 75, ठीक है। तो अब कंप्यूटर यहाँ पे आएगा इस वाले इफ में तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 45 तो ये तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी तो चेक करना है कि 60 से कम हो, तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे, कंडीशनल एंड और मार्क्स लेस देन 60, ठीक है। तो दूसरा वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, मार्क्स 123 है तो 123 लेस देन 60 फॉल्स। फिर से एल्स में आएगा इस वाले एल्स में, फिर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 35 है तो ट्रू हो जाएगा। एक और लगाते हैं, सो मार्क्स लेस देन क्या देंगे यहाँ पे 45, ठीक है। तो मार्क्स में कितना है 123, तो 123 लेस देन 45 कंडीशन फॉल्स। फिर यहाँ पे आएगा एल्स में, इस वाले एल्स में, इसमें फिर से इफ मिला तो मार्क्स लेस देन 35 कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। दूसरा से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि पहला ही फॉल्स हो गया, और कंडीशनल एंड क्या करता है, दोनों ट्रू होगा तब ट्रू करेगा। अब इस वाले एल्स में आएगा तो इसमें तो कुछ इफ है नहीं, इसको एग्जीक्यूट कर देगा और क्या प्रिंट कर देगा, इनवैलिड मार्क्स, ठीक है। उसी तरह मान लो यूजर ने एंटर किया -10, तो अब देखो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 90 पहला ही फॉल्स हो गया, एल्स में आएगा तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 75 पहला ही फॉल्स, मार्क्स ग्रेटर देन 60 ये भी फॉल्स, मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 45 ये भी फॉल्स, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 35 ये भी फॉल्स, मार्क्स लेस देन 35 ट्रू हो गया। बट यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जीरो के बराबर उससे बड़ा होना चाहिए ना, फॉल्स हो गया। तो कहाँ जाएगा, लास्ट वाला एल्स में, क्या प्रिंट कर देगा, इनवैलिड मार्क्स। दूसरा लेते हैं, अब मैं लेता हूँ 53, तो 53 पे क्या प्रिंट करना चाहिए, याद करो मैंने क्या बताया था कि अगर मार्क्स 45 से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या प्रिंट करें, सी। तो यहाँ देखो अब मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 19 फॉल्स, ठीक है। दूसरा मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 ट्रू, तो पूरा इफ क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ना अगर सारा ट्रू होगा तब ट्रू होगा। एल्स में आएगा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 फॉल्स, मार्क्स लेस देन 90 ट्रू, बट एक फॉल्स है तो पूरा इफ फॉल्स। फिर एल्स में आएगा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 फॉल्स और मार्क्स लेस देन 75 ट्रू, बट एक तो फॉल्स है तो पूरा फॉल्स। फिर एल्स में आएगा अब मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 45 ट्रू और मार्क्स लेस देन 60 ये भी ट्रू। तो हमारा इफ क्या हो गया, ये वाला ट्रू हो गया, क्या प्रिंट कर देगा, सी।
और फिर else में जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, हो गया प्रोग्राम। सो होप एक क्लियर हो गया होगा कि इफ एल्स लैडर क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, हर कंडीशन पर कुछ डिफरेंट वर्क परफॉर्म करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, इफ एल्स लैडर। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कुछ प्रोग्राम में हम लोग इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स लैडर पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे फॉर द प्रैक्टिस। थैंक यू।